तो और इसके लिए अल्लाह ने जो हम दुरूद और सलाम भेजते हैं तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है? अब इसके ताल्लुक से भी हम देखते हैं कि कितनी सारा लोगों के अंदर या तो गलत फहमियाँ या कोई लोग गुलू में निकल गए, कोई लोगों ने इनकार भी कर दिया, नहीं नहीं पहुँचता ही नहीं है। एक तबका कहता है कि पहुँचता ही नहीं है, और दूसरा तबका कहता है नहीं पहुँचता है, जैसे ही करते हैं चला जाता है। तो वाकई में हकीकत क्या है? तो अगर हम उसमें देखें तो यह हमको मिलता है कि कोई दुनिया के किसी भी कोने के अंदर से अगर अल्लाह के रसूल सल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह के रसूल सल्लम खुद फरमाते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं जो उनका दुरूद व सलाम लेकर मुझ तक पहुँचा देते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, फ़र्क इतना सा, एक शख्स कह रहा है कि नहीं पहुँचता और एक शख्स कह रहा है कि नहीं पहुँचता है, वो कह रहा है डायरेक्टली पहुँचता है और एक कह रहा है कि नहीं पहुँचता, पहुँचता ही नहीं, लेकिन फ़र्क इतना सा था कि पहुँचता है लेकिन फरिश्ते उसको लेकर जाते हैं। फरिश्तों की स्पीड का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या? वहाँ से हुक्म देता है अल्लाह सातवें आसमान से, उस आदमी की मौत है तो उसी वक्त में है और उसकी मौत हो जाती है। वो हमारी वो लाइट ईयर और ये वो उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो चीज़ें नहीं है उनके लिए कि भाई ये तो आज तो सात आसमान में आने में कितना टाइम लगेगा फरिश्तों के लिए, और ये उसके लिए वो नहीं है। तो इतनी जल्दी होता है वो, तो आप सलाम भेजते हैं पहुँचता है, फरिश्ते इतना तेज होते हैं तो पहुँचा देते हैं। इनके लिए आता है, जिन्नों के लिए आता है, शयातीन के लिए आता है कि ये जो है उड़ के फ़ौरन से चले जाते हैं। आप देखिए फ़ौरन से जाते हैं, ये जब जाते हैं और बाद जब फरिश्ते जब अल्लाह जो है से जब अल्लाह से जो फरिश्ते जब एकामात लेकर आते हैं और आपस में डिस्कशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे पर, जो सरदार जो फरिश्ता होता है वो लेकर आता है और लेकर कहता है दूसरे फरिश्तों में बांटता है कि तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है, तो ये क्या करते हैं कि शयातीन जाकर सितारों के नीचे आसमान के नीचे जाकर सुन लेते हैं, और ऐसे ही सुनते हैं तो फरिश्ते इनको देख लेते हैं तो उनको सितारा खींच के मारते हैं। हम देखते हैं ना सितारा टूटा हुआ तारा, तो हम क्या समझते हैं टूटा हुआ तारा क्या है? हम तो ये देखते हैं अरे ये तो विश मांगो इसके ऊपर, वो लानत पड़ रही शयातीन के ऊपर, तो हम तो उस विश मांगते लोग विश मांगो उसके, तो विश मांगने के लिए नहीं वो इसलिए होता है, तो उसको फेंका जाता है। तो उसके बाद भी वो क्या करता है कि वो मरने वाला होता है लेकिन फिर भी आकर वो जो जो जिसने उसको भेजा जो ये रहते हैं काम करने वाले जादू टोने वाले जो करते हैं उस तक वो पहुँचाने के लिए वो मरते मरते भी वो आकर कुछ ना कुछ बात उसको कह जाता है। ये अल्लाह के खुद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ने पूछा तब ये फरमाया गया, तो वो सब कुछ बात पहुँचा देते। आप सोचो उनकी स्पीड ज़्यादा है तो फरिश्ते तो फिर उनकी स्पीड कितनी होगी, तो वो पहुँचा देते हैं। आप जैसे ही सलाम करते हैं दुरूद भेजते हैं फ़ौरन पहुँचा दिया जाता है। तो इतना सा फ़र्क है इसके अंदर, इसमें इख्तिलाफ नहीं, बीच का एक चीज़ हमसे मिस हो रही है, बस इतना सा इसके अंदर है। और ये सुनन नसाई की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाते हैं हदीस नंबर 1283 के ज़मीनों के अंदर फरिश्ते फैले हुए हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचा देते हैं। ये सुनन नसाई की रिवायत है। तो सब जगह अल्लाह ने फरिश्तों को फैला रखा है और जैसे ही आप दुरूद सलाम करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम तक पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लम यहाँ तक फरमाया कि जो तुम्हारा दुरूद और सलाम मुझ तक पहुँचा दिया जाता है यहाँ तक कि जब मैं यानी कि कब्र में होता हूँ और कब्र के अंदर मेरी रूह को लौटा दिया जाता है और मेरी रूह लौटा दी जाती है और मैं सलाम उनको जवाब भी देता हूँ। अब ये फिजिकल होता है क्या होता है, अल्लाह वालों हमको जो बताया गया हदीस से जो मिलता है ईमान, तो उनकी रूह को भी लौटाया जाता है, उनकी रूह आती है उसके बाद वो सलाम का जवाब भी देते हैं, तो ये भी हमको मिलता है। ये अबू दाऊद की रिवायत है हदीस नंबर 2041 कि अल्लाह के रसूल सल्लम फरमाए कि जो कोई मुझको दुरूद और सलाम पहुँचाता है तो अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो ज़मीन पर गश्त करते रहते हैं और अल्लाह मेरी रूह वापस लौटाता है और मैं उनके सलाम का जवाब देता हूँ। अब वो क्या है, वो गैब का मामला है, अल्लाह वालम वहाँ कैसे क्या है कि वाकई में फिजिकली उठ के देते हैं या अल्लाह वालम हमें नहीं मालूम, जितना हमको बताया उतना तो ये होता है, तो इसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा आपस के अंदर कुछ चीज़ें हमसे मिस हो रही जिसकी वजह से हमारी जो है एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती, समझ नहीं पाते, तो इसको हमको इतना समझने की ज़रूरत है। तो कैसे देते हैं तो हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह वालों ये हमारा काम नहीं है, अल्लाह जैसे जाता है वैसे करता है।